तिजारत सरकारी हॉस्पिटल में पिछले 6 महीने से एक्सरे की मशीन खराब पड़ी है, जिससे एक्सरे कराने वाले मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक्सरे मशीन खराब होने पर हॉस्पिटल प्रशासन ने उच्च अधिकारियों से क्षेत्रीय विधायक मामन सिंह यादव को भी इस बारे में अवगत कराया, लेकिन किसी ने भी इस समस्या का समाधान नहीं किया। हॉस्पिटल में रोजाना 500 से अधिक मरीज आते हैं, लेकिन मरीजों को एक्सरे मशीन का लाभ नहीं मिल पा रहा। मरीजों को एक्सरे कराने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। हॉस्पिटल के चिकित्सा प्रभारी नरेश ने बताया कि मशीन खराब होने की सूचना उच्च अधिकारियों को दी जा चुकी है। मशीन लगभग 5-6 महीने से खराब हो रहा है, इसके लिए ऊपर हमने सब लेटर लिख दिए हैं, ये सही नहीं है, कंडम घोषित कर दी, उसकी जगह नई मशीन आई। कब तक आने की संभावना सर? मरीज बाहर जाते हैं सर एक्सरे की मशीन कराने के लिए? इमरजेंसी एक्सरे होते तो बाहर। एक्सरे मशीन मतलब अस्पताल में ख़राब पड़ी हुई है, उसका मतलब आम जो रोगी है उनको बहुत ही मतलब नुकसान भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि दुगने चौगने दामों में बाहर से उनको एक्सरे करवा के लाना पड़ता है। इसलिए इस संदर्भ में विभाग को, मेडिकल विभाग को और हमारी सरकार को और हमारे जो प्रतिनिधि हैं मतलब MLA महोदय हैं, मतलब उनको भी इस संदर्भ में ध्यान देना चाहिए, ताकि आम जन को इसकी सुविधा मिल सके। और अब बीमारी का सीजन चल रहा है, इसलिए मतलब एक्सरे मशीन को तुरंत बंद ठीक करवाया जाना चाहिए।